चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्धि पा चुके प्रशांत किशोर के विश्लेषणों पर आमतौर पर लोग बहुत भरोसा करते हैं। यह भरोसा उन्होंने यूं ही नहीं कमाया है, पिछले कई सालों में उन्होंने जो कहा वही हुआ है। अब ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आश्चर्यजनक रूप से टीएमसी पर बड़ी बढ़त हासिल कर रही है। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि भाजपा हर मायने में बंगाल में टीएमसी से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा चुनाव में बंगाल से चौंकाने वाले नतीजे देखने के लिए तैयार रहिए, जो कि भाजपा के पक्ष में होंगे। जब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बंगाल में सिंगल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो कुछ लोग कह देते हैं, अरे तुम तो भाजपा के एजेंट हो इसीलिए ऐसा कहते हो। अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगा तो प्रोफेशनली मैं ईमानदार नहीं कहलाऊंगा। सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर ये बातें किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं रही हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय निकाय चुनाव, सभी में बीजेपी की दुर्गति हुई है। उपचुनावों में भी बीजेपी को टीएमसी ने पस्त कर दिया। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मंत्री तक पार्टी छोड़कर टीएमसी शामिल हो चुके हैं, तो आखिर किशोर को उम्मीद की किरण कहां से दिख रही है। आइए देखते हैं कि क्यों प्रशांत किशोर की बातें सच हो सकती है। कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी इतिहास रचने को तैयार थी, पर पीएम नरेंद्र मोदी का ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप भारी पड़ गया था और अंतिम समय में बाजी पलट गई थी। ममता के लिए पीएम मोदी का कहा गया संबोधन दीदी ओ दीदी को टीएमसी ने माँ माटी और मानुष के अपमान का मामला बना दिया और देखते ही देखते बीजेपी पर भारी पड़ गई टीएमसी। इस बार बीजेपी ने रणनीति बदल दी है। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जा रहा है, हर बात के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतते दिख रहे हैं। बीजेपी के अन्य नेता भी ममता के खिलाफ अपमानजनक चुटकुले और संवेदनशील आरोप लगाने से बच रहे हैं। अनंत महाराज को राज्यसभा भेजने का गणित। अनंत राय राजवंशी समुदाय से आते हैं। मतुआ के बाद यह पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति एससी समुदाय है। अनंत राय को उम्मीदवार बनाने से बीजेपी की उत्तरी बंगाल में अच्छी खासी पकड़ बन गई है, क्योंकि वहां राजवंशी समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है। उत्तरी बंगाल की 8 में से 4 लोकसभा सीटों पर राजवंशी ही जीतते रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 7 सीटें जीती थी। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार 8 सीट बीजेपी जीत सकेगी। कांग्रेस सीपीएम और टीएमसी के अकेले लड़ने का फायदा। राज्य में इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही टीएमसी अपने प्रतिद्वंद्वी बीजेपी को मजबूत होने का एक और अवसर दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने के टीएमसी के फैसले के चलते टीएमसी विरोधी वोट बीजेपी को मिलेंगे। इसके अलावा वोट बंटने का भी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी के यूसुफ पठान ताल ठोक रहे हैं। पठान सेलिब्रिटी क्रिकेटर भी हैं और मुसलमान भी है। ऐसे में अगर वोट बढ़ता है तो किसका फायदा होगा। जाहिर है दोनों की लड़ाई में बीजेपी अगर मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो यहां से जीत भी सकती है। सीएए भी बंगाल की सियासत में बीजेपी को कर सकती है मजबूत। सीएए बंगाल में बीजेपी का चुनावी वादा रहा है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने बंगाल में सीएए लागू करने की बात करते रहे हैं। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए लागू होने का सबसे बड़ा फायदा बंगाल में मतुआ समुदाय को मिलेगा। मतुआ समुदाय के बारे में कहा जाता है कि मतुआ वोट जहां भी जाता है उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। बंगाल में लगभग 1,80,00,000 मतुआ समुदाय के मतदाता है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम 4 लोकसभा सीट में यह समुदाय निर्णायक है। मतुआ समुदाय की तरह राजवंशी समुदाय को भी सीएए का लाभ मिलने वाला है। राजवंशी भी हिंदू है। 1971 के बाद से इन लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिली है। इस तरह करीब 10 से 12 सीटों पर सीधे बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है।
सिंकूर और नंदीग्राम की तर्ज पर ही संवेद खाली का भी संदेश हो सकता है असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में लगातार यात्राएं कर रहे हैं और संवेद संदेश खाली को लेकर जिस तरह हमलावर है उसे यही लगता है कि बंगाल में इस बार यह मुद्दा बड़ा बनने वाला है। स्थानीय बीजेपी नेता संदेश खाली को इसी तरह ले रहे हैं जिस तरह कभी टीएमसी ने सिंगूर और नंदीग्राम को आंदोलन बना दिया था। संदेश खाली पर आंदोलन तेज करने की अपनी रणनीति के तहत ही पार्टी ने द बिग रिवील द संदेश खाली शॉकर शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की थी। यह सभी जानते हैं कि नंदीग्राम में जबरन जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के सहारे ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ हुआ है। नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि संदेश खाली की परिस्थिति नंदीग्राम जैसी है। नंदीग्राम में लोगों ने जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई की थी और यहां जमीन पर जबरन कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। संदेश खाली में खेती की जमीन पर जबरन कब्जा यौन उत्पीड़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कवायद से बीजेपी को फायदा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का विशेष महत्व रहा है। शायद यही कारण है कि सीपीएम से लेकर टीएमसी तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। बीजेपी ने पहली बार राज्य में अलग तरह की राजनीति की है जिसके चलते पिछले चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। राज्य की हिंदू आबादी कुल आबादी का लगभग 71% है। लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ी संख्या में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। कई सर्वेक्षणों के अनुसार करीब 55% हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में गए। शायद यही कारण है कि इस बार बीजेपी भावनात्मक मुद्दे पर ही फोकस है। भाजपा सांसद और राज्य के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे ने पहले भी भाजपा को फायदा पहुंचाया है और इस बार भी यह पश्चिम बंगाल समेत देश भर के हिंदुओं को एकजुट करने में हमारी मदद करेगा।